नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हरियाणा में अब धीरे धीरे सारे सस्पेंस खत्म हो रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद सभी को इंतजार था कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कब तक जारी करेगी, जिसके बाद अब ये सस्पेंस खत्म हो गया है। जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट को जारी कर दिया है, जिसमें विनेश फोगाट का नाम भी शामिल है। आपको याद होगा कि कैसे शुक्रवार को कांग्रेस खेमे में पहलवान विनेश फोगाट शामिल हुई और तुरंत उन्हें टिकट दे दिया गया। कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने लाड़वा विधानसभा से निवास सिंह को कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में उतार दिया गया। इसके अलावा कई और बड़े नाम है। हालांकि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जब कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, जब कहा जा रहा था कि विनेश को टिकट दी जाएगी और ऐसा हुआ भी, लेकिन बजरंग पूनिया को टिकट नहीं मिली और कहा गया कि विनेश के लिए वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार करेंगे। कहां से किसको टिकट? कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर 31 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें कालका विधानसभा से प्रदीप चौधरी, नारायणगढ़ से शैली चौधरी, सधौरा विधानसभा से रेणुबाला, रादौर विधानसभा से बिशनलाल सैनी, लाड़वा से मेवा सिंह, शाहबाद से रामकरण, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंडर, असंध से एम शमशेर सिंह गोगी, समालखा से धर्म सिंह छोकर, खरखौदा से जयवीर सिंह, सोनीपत से सुरेंद्र पंवार, गोहाना से जगबीर सिंह मलिक, बारोदा से इंदुराज सिंह नरवाल, सफीदो से सुभाष गंगोली, कालावाली से शिवपाल सिंह, डबवाली से अमित सिहाग, गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक से भारत भूषण, कालानौर से शकुंतला खातक, बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून, फिरोजपुर झिरका से मामन खान, झज्जर से गीता बुक्कल, बेरी से रघुवीर सिंह कादियान, महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह, रेवाड़ी से चिरंजीव राव, फरीदाबाद एनआईटी से नीरज सिंह, चुलाना से विनेश फोगाट, बदली से कुलदीप वस, होडल से उदयभान, नूह से आफताब अहमद, उन्हाना से मोहम्मद इलियास। इसमें कांग्रेस ने करनाल से लाड़वा चुनाव लड़ने पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी के सामने मेवा सिंह को मैदान में उतारा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इस सीट से मौजूदा विधायक हैं मेवा सिंह और उनकी विधानसभा पर अच्छी पकड़ भी बताई जाती है। मेवा सिंह ने 2019 में बीजेपी के पवन सैनी को 12,637 वोटों से हरा डाला था। वहीं जब लिस्ट में करनाल के असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो शमशेर सिंह जोगी के निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई। लोग उनके निवास पर बधाई देने के लिए पहुंचे। जोगी ने कहा कि मैं पहले से ही संतुष्ट था, पार्टी उन्हें दोबारा से मौका देगी, ये पहले से वो जानते थे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और कुमारी शैलजा का मैं धन्यवाद करता हूं। हालांकि सभी उम्मीदवारों ने भी यही बात कही। मैं पहले तो हाईकमांड का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मेरे अंदर विश्वास व्यक्त किया, खास करके राहुल जी का, सोनिया जी का, खड़गे जी का और स्पेशली कुमारी शैलजा का, कि उन्होंने मेरे अंदर विश्वास व्यक्त किया। और मैं अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इलेक्शन जीत के उनका जो विश्वास है उस पर पूरा खरा उतरूँ। देखो, मैंने प्यार से विपक्ष में रहते हुए सेवा की है, जितना काम मैं कर सकता था, अपनी हाजिरी दर्ज कराई है, असंध का भी नाम जो है नेशनल लेवल पे दर्ज कराया है। और अब मैं, मेरी जो तमन्ना है कि असंध जिला बने और एक स्पोर्ट्स कॉलेज मैं वहाँ बनवाना चाहता हूँ। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, हेल्थ और एजुकेशन, ये दो मेरे एजेंडे पे रहेंगे, इसमें बढ़ोतरी रहे। फिलहाल बीजेपी ने भी हरियाणा विधानसभा के लिए अपनी पहली लिस्ट यानी 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई चेहरों पर दाम लगाया गया है। बीजेपी खेमे से हुड्डा के सामने मंजू हुड्डा को उतारा गया है, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने मंजू हुड्डा को, जो एक गैंगस्टर की पत्नी है। बीजेपी ने काफी सोच समझकर मंजू हुड्डा को मैदान में उतारा है, क्योंकि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा एक बड़ा नाम है। फिलहाल कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने कई नए चेहरों को और कई पुराने चेहरों को सामने लाया और उस पर दांव लगा।
लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे आने वाले समय में किसका दांव सटीक होगा और जनता किसे पसंद करेगी, क्योंकि हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीट हैं और इन सभी सीटों पर 5 अक्टूबर को एक ही चरण में वोटिंग होगी और परिणाम यानी नतीजे 8 अक्टूबर को आ जाएंगे, जब ये पता लग जाएगा कि किसने सही दांव चला और किसने गलत, और कौन खुशी मनाएगा कौन पछताएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी अपनी राय जरूर रखिएगा, खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।